विजुअल आर्ट, विजुअल आर्ट्स, दिस इज द कोर्स ऑफ 9, 10, 11 and 12। पूरा 4 क्लासेस तक आपकी ये विजुअल आर्ट्स चलेगी, तो आपको बेसिक नॉलेज मस्ट है, बेसिक नॉलेज, बेसिक्स एंड टर्म। द एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, लाइन, शेप, फॉर्म, टोन, स्पेस, कलर एंड टेक्सचर्स। अच्छा ये बताओ, आप लोग क्या करते हो, कोई भी ड्राइंग बनाने से पहले क्या खींचते हो? लाइन खींचते हो, खींचते हो ना? तो लाइन खींचने के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5 कितने पॉइंट्स चाहिए? 2 पॉइंट्स। लिसन, सी दिस, आप दो पॉइंट होते हैं तो हम एक लाइन खींचते हैं, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जब हम पॉइंट मिलाएंगे तो वो क्या हो गया? लाइंस। बट अगर हमें तीसरी पॉइंट को मिलाना है ऐसे, ये देखो ये क्या हो गया? लाइंस। बट ये शेप हो गया, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे तो ये क्या हो गया? शेप। दिस इज नॉट लाइन, दिस इज शेप। अगर हमें ट्रायंगल बनानी है तो हम ऐसे 3 लाइंस खींचेंगे तब एक ट्रायंगल बनेगा, तो ट्रायंगल क्या हो गया? शेप। बट अगर लाइन खींचनी है तो हम 2 पॉइंट लेंगे और एक लाइन खींच देंगे, ये क्या कहलाया? लाइन। तो ये ड्राइंग ही है जो हमें लाइन खींचना बताता है, शेप खींचना बनाना बताता है, टेक्सचर्स देना बताता है, कलर करना बताता है और टोन यानी वैल्यू, फॉर्म, ये सब चीज़ें हमें ड्राइंग में ही बताई जाती है। ठीक, तो आज आप लिखो एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। द एलिमेंट्स ऑफ आर्ट आर लाइन, शेप, फॉर्म, टोन, स्पेस, कलर एंड टेक्सचर। दीज एलिमेंट्स आर यूटिलाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म द वर्क ऑफ आर्ट। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स डिफाइन्स हाउ द कंप्लीट वर्क वुड लुक लाइक। ठीक, शेप, फॉर्म, टोन, स्पेस, कलर, टेक्सचर्स, दिस इज एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। यही एलिमेंट्स ऑफ आर्ट हमारे वर्क को इजी बनाता है। अगर हमें लाइन का नॉलेज नहीं रहेगा तो हम ड्राइंग अच्छा नहीं बना पाएंगे, मतलब वर्क नहीं कर पाएंगे। शेप का नॉलेज नहीं रहेगा तो हम डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। टोन का नॉलेज नहीं रहेगा तो हम कलर नहीं कर पाएंगे। कलर का नॉलेज नहीं रहेगा तो हम कलर मिक्स, टोन का नॉलेज नहीं रहेगा तो मिक्स नहीं कर पाएंगे। कलर का नॉलेज नहीं रहेगा तो हम कलर नहीं कर पाएंगे, टेक्सचर्स नहीं दे पाएंगे। तीन सब चीज़ों की नॉलेज होने से हमारा वर्क इजी हो जाता है। ओके, ठीक, तो आज हम आपको फर्स्ट पढ़ाएंगे लाइन। ध्यान से पहले इसको देख लो, सुनो मेरी बात। अ लाइन कनेक्ट्स टू पॉइंट। अ लाइन इज अ पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट, that is a pencil point or a paint brush। ठीक है, जैसा कि अभी हमने समझाया है कि लाइन कनेक्ट करता है टू पॉइंट्स को। अ लाइन इज अ पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट, लाइन के थ्रू ही हम मूविंग पॉइंट को, पॉइंट को भी मूव करा देते हैं, जैसे कि अभी ट्रायंगल बनाए थे। That is a pencil point, इसे pencil point या paint brush से कर सकते हैं। Line is a vital element of any artwork. Lines are frequently used to delineate shape, contours, form and space. ठीक, line two types के होते हैं, एक 2D लेता है और एक 3D, यानी 2D लाइंस भी होते हैं और 3D लाइंस होते हैं। फर्स्ट होता है ज्योमेट्रिक लाइंस, ज्योमेट्रिक
सेकंड होता है ऑर्गेनिक लाइंस, ऑर्गेनिक लाइंस ओके। ज्योमेट्रिक लाइंस जो होता है लाइक दिस ग्राफ, ग्राफिक लाइंस जिसे कहते हैं, अगर हम कोई भी ग्राफ खींचते हैं तो ज्योमेट्रिक लाइंस लेते हैं जिसमें ठीक थीन कर्व दिस टाइप्स ऑफ लाइंस इतनी तरह की होती है। बट ऑर्गेनिक लाइंस होती है वो ऑर्गेनिक लाइन, देखो हम इसमें समझा रहे हैं आपको, अगर हम ये शेप बना रहे हैं स्क्वायर बनाना है तो हम फोर पॉइंट ले लिए और इसको ज्वाइन कर दिए तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक लाइन, सॉरी ज्योमेट्रिक लाइन, ज्योमेट्रिक लाइन, ज्योमेट्रिक लाइन लाइंस। अगर हमें एक ट्री बनानी है इस तरह से तो ये क्या हो गया ऑर्गेनिक लाइन, ऑर्गेनिक लाइन, ऑर्गेनिक लाइंस। क्यों ऐसा क्यों? ज्योमेट्रिक लाइन जो होती है वो ह्यूमन स्केचिंग होती है, हम लोग बना सकते हैं। बट ऑर्गेनिक लाइंस जो होती है वो गॉड गिफ्टेड है। आप बटरफ्लाई बनाओगे, बटरफ्लाई की जो स्केचिंग होती है वो गॉड ने बना दिया है, बस उसे हमें प्रैक्टिस करनी है इस तरीके से, कॉपी कर देते हैं। बट जो शेप बनानी है वो शेप तो हम बनाते हैं ना, ये तो गॉड नहीं बनाया ना, इसलिए ये ज्योमेट्रिक लाइंस होती है, ये हम मैथ में पढ़ते हैं ठीक है। ऑर्गेनिक लाइन हम ड्राइंग में पढ़ते हैं।